ओरिजिनल जो फिलोसफी है आदिवासियों की, इसलिए लोग पढ़ने आ रहे हैं विदेश से हम लोग के पास, गांव घर में बैठ के पढ़ते हैं हमारे समाज को, क्योंकि अमेरिका अपना सारा पढ़ाई खत्म कर, जापान अपना सारा टेक्निक भी खत्म कर रहा है, कहाँ जाएगा इसके बाद दुनिया में, वही प्यार के पास लौट के आना है जिसकी टेक्निक कभी खत्म नहीं हुई। तो उसी प्यार के संबंधों के संसार का ही समाज है आदिवासी, जो आदिवासी विश्वास करते हैं उस समुदाय पर, उसी समुदाय से आज इनको हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाले धर्मेश पोनेमसर सिंहबुंगा बोलते हैं, उनको ले लिए, उनका जीवा को ले लिए, शरीर छोड़ दी जो हम लोग दफन कर दिए रीति रिवाज से सम्मान, वो जो जीवा है वो जीवा को हम लोग समर्पित करते हैं फिर समुदाय, किसी को अकेला रहना मनुष्य का अकेला सुनते हैं ना, वो फिर समुदाय खोजते हैं, और वही है समुदाय खोजने का दिन कि आज समाज के माध्यम से उनको हम लोग पचबालर बोल के बोलते हैं, पुरखों की संगति में कुहा बेंजा बोलते हैं, वही कुहा बेंजा जब अभी आपके बाबा लोग मिल करके पूरे समाज को खिलाएंगे पिलाएंगे ना, वही बेंजा है शादी, और उसी शादी में ये बाबा का आज हम लोग शादी करते हैं, किनके साथ में, उनके साथ में, इधर में तो आंटी नानी मम्मी थी, उधर में अपना पुरखा लोगों के साथ जुड़ना को कुहा बेंजा बोलते हैं। इसलिए याद रखिए, अकेले आए हैं, अकेले जीना है और अकेले फिर लौटना है उसी समुदाय के पास, ना बीबी जाएगी ना बच्चा जाएगा, मैं बार बार बताता हूँ, ना नौकरी जाएगी, कुछ नहीं लीजिएगा, सारा मकान उकान सब ये यही कहे दुनिया का, कुछ नहीं जाता है, एक है इज्जत और समाज, और समाज में इज्जत है। आज हम लोग यहाँ पर अभी बाबा को यहाँ से हम लोग छाई बिता रहे, मतलब इनको हम लोग वहाँ देने के पहले वहाँ जो देना है और उनका एक छोटा सा प्यार रहता है उसको आज हम लोग अपने वहाँ पर घर के किसी कोने में इनको बोलेंगे, बाबा हम लोग के घर में आइए, आपको हम लोग समर्पित कर दिए लेकिन आपका आशीर्वाद आइए बोलने, उसी को छाई बितारना बोलते हैं। तो हम लोग का है कि जहाँ से कब्र होती है, कभी कभी हमारे अभी समाज में लोग दफन भी कर दे रहे हैं, कभी जला भी दे रहे, कोई बात नहीं, अलग अलग चीज़ें बदल रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी जो है, बेस जो है, फंडामेंटल चीज़ जो होता है वो है कि इनको उस जगह छोड़ के नहीं आते हैं, उनको बोलते हैं यू आर स्टिल वेरी मच वेलकम इन माई फैमिली इन माई लाइफ एंड दैट इज द फिलोसफी ऑफ द ट्राइबल्स। So this part is the last part whereby we are going to take to tell him that okay, my dear, that is the space where you left for abode, but from here we are taking you back again. उसी को छाया बताओ, अपना चुपचाप सुन लो, प्रार्थना करिए। उस कब्र से मैंने कहा वो तस्वीर वो जाएगी, एक मोमबत्ती यहाँ से जाएगी और एक अगरबत्ती, ये तीन चीज लेकर के हम लोग जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ याद रखिएगा वहाँ पर आपका पुआल को रेडी रखिएगा, जो मैंने कल कहा था वो पुआल जलेगा, नया सूप रहेगा, जो पुआल जल जाएगा उसके जो राख जब ठंडे हो जाएंगे मेरे जाने के पहले, उसमें वो थोड़ा सा छिड़क दिया जाएगा और उसको लेके अंदर में हम बताएंगे। चलिए यहाँ का तो अभी हम लोग थोड़ी सी प्रार्थना को उनकी दुआ मांगे, थैंक यू बोलेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। अभी प्रार्थना पुजारी नहीं करता, अपने से करना है उस बाबा को, अगर हम लोग बोलते हैं ठीक है वो जाने का, वो पवित्र पुरुष कचि परमात्मा के नाम पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार हैं।